मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा। अब मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिसेस। मतलब आप क्या करोगे, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन उस वक्त इक्वल होगी जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 और 2 इसके एंट्रीज हैं और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है 2, 3, 4 और 5। मैं ये चेक करता हूँ कि इसकी मल्टीप्लीकेशन ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब मैंने आपको बताया कि तब मल्टीप्लाई होंगे जब इसके नंबर ऑफ कॉलम यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इक्वल होंगे इसके नंबर ऑफ रोज। अब मैं इसमें चेक करूँ, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के आ रहे हैं वो 1, इसके नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास हैं 1 और इसके नंबर ऑफ रोज मैं चेक करूं, इसकी नंबर ऑफ रोज आपके पास आ रही है कितनी, 2, क्योंकि जो कॉलम होते हैं वर्टिकल बेस से लिखे गए नंबर कॉलम कहलाते हैं और हॉरिजॉन्टल बेस से लिखे गए नंबर रोज कहलाते हैं। अब इसमें वर्टिकल बेस से लिखे गए नंबर मतलब 1 ही और इसमें 2 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गए, 1 नंबर ऑफ रोज, 2 1 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए इस मैट्रिक्स ये जो दो मैट्रिक्स मैंने लिखे इनके मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। और इसकी दूसरी मैं एग्जांपल आपको दूं कि मेरे पास 2, 3, 4, 5 एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स जिसे मैंने मल्टीप्लाई करना है इसको, वो मेरे पास है 1 और 2, मैंने इसी को रीअरेंज कर लिखा है। अब इसमें देखें कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 2 है, इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 है और इसमें देखें क्योंकि दूसरे में नंबर ऑफ रोज चेक की जाती है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है। अब नंबर ऑफ कॉलम इसके और इसके नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल है, इसलिए इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल है और इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। दोबारा देखें कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन उस वक्त पॉसिबल होगी जब जो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होंगे। अगर वो इक्वल है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। अब मैं एक्सरसाइज है मेरे पास, एक्सरसाइज है 1.4, इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नाम हुआ आपके पास 3, 0, -1 और 2 और सेकंड मैट्रिक्स है बी वो है 6 और 5 इसके एंट्रीज है। तो हमने फाइंड करना है ए बी फाइंड करना है, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। अब ए बी फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, पहले मैं ए मैट्रिक्स लिखूंगा, ए मैट्रिक्स मेरे पास है 3, 0, -1, 2 और बी मेरे पास है 6 और 5। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये चेक करूंगा कि इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं। मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल होती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल। अब इधर चेक करो, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है कितने हैं, 1 और 2 है और सेकंड मैट्रिक्स की रोज चेक की जाती है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा
तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, जब मल्टीप्लीकेशन मतलब की जाती है तो रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसकी नंबर ऑफ फर्स्ट जो रो है इसको आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई की जाती है। अब कैसे, थ्री यानी थ्री सिक्स से मल्टीप्लाई होगा, थ्री मल्टीप्लाई सिक्स प्लस ये जीरो जो है वो फाइव से मल्टीप्लाई होगा, जीरो मल्टीप्लाई फाइव, और इनके दरमियान जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। और इसी तरीके से माइनस वन मल्टीप्लाई सिक्स प्लस टू मल्टीप्लाई फाइव, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये मल्टीप्लाई होंगे। जब आप मल्टीप्लाई करो, आप थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे एट, जीरो को फाइव से मल्टीप्लाई करो जीरो, माइनस वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करो माइनस सिक्स, और टू को फाइव से मल्टीप्लाई करो टेन। अब ऐड करो ये आपके पास एटीन प्लस जीरो एटीन, और माइनस सिक्स प्लस टेन आपके पास क्या बचेगा फोर। तो ए बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपके पास क्या बने एटीन और फोर। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, वो कहते हैं आप फाइंड करें बी ए। बी ए के लिए पहले बी मैट्रिक्स लिखोगे वो आपके पास है सिक्स और फाइव, और ए मैट्रिक्स आप ए लिखोगे वो आपके पास है थ्री जीरो माइनस वन और टू। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, अभी मैंने कहा मल्टीप्लाई करने के लिए पहले चेक किया जाता है मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। अब तब पॉसिबल होगी जब इसके नंबर ऑफ कॉलम अब इक्वल होंगे इसके नंबर ऑफ रोज। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वन, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है टू। अब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं आ रहे तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो नॉट पॉसिबल है। रीजन लिखोगे, अब लिखोगे बी ए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी इसके रीजन आपने लाजमी लिखनी है, बी ए इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैंने रीजन आपको बता दी है, ये तब पॉसिबल होते हैं इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास है, इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री। अब इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास है वन टू, नेक्स्ट आपके पास फोर और जीरो। अब मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के लिए वही सबसे पहले चेक करोगे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, लेकिन इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने दो है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं दो है। तो आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के लिए वन मल्टीप्लाई फोर प्लस टू मल्टीप्लाई जीरो। अब वन मल्टीप्लाई फोर फोर प्लस टू मल्टीप्लाई जीरो जीरो। अब मल्टीप्लाई करें, जब आप मल्टीप्लाई करो इनको ऐड करो फोर प्लस जीरो क्या आएगा फोर। और इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है इसका सेकंड पार्ट, वो आपके पास है वन टू, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे फाइव माइनस फोर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे देखें इसमें पहले चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है कैसे, इसके नंबर ऑफ कॉलम दो है और इसके नंबर ऑफ रोज वो भी दो है। जब मल्टीप्लाई करोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, मतलब वन मल्टीप्लाई फाइव प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस फोर। अब मल्टीप्लाई करें, वन को फाइव से मल्टीप्लाई करें फाइव, माइनस टू को फोर से मल्टीप्लाई करें एट, और फाइव माइनस एट आपके पास क्या बचेगा माइनस थ्री। और इसी तरीके से आपके पास है एक फोर पार्ट, मैं आपको करा देता हूं। फोर पार्ट आपके पास है
सिक्स माइनस जीरो, लेकिन माइनस नहीं आता, सिक्स जीरो और नेक्स्ट है फोर जीरो। इसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करोगे सिक्स मल्टीप्लाई फोर प्लस जीरो मल्टीप्लाई जीरो। अब सिक्स मल्टीप्लाई फोर क्या आएगा, ट्वेंटी फोर प्लस जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और ट्वेंटी फोर प्लस जीरो आपके पास क्या बचेगा, ट्वेंटी फोर। देखिए ये जो चीज समझ आई है पूछ लीजिएगा।